जनपद संभल के ग्राम धनारी निवासी भाजपा नेता संजय सिंह राघव की 13 वर्षीय लापता पुत्री को बरामद करने एवं अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग तेजी पकड़ने लगी है। मंगलवार को कांग्रेस नेत्री महक वारसी ने अपने साथी महिलाओं के साथ धरने पर बैठे पीड़ित परिवार को अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि 7 माह से लापता पुत्री का पता मंजुला थाना पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की 13 वर्षीय पुत्री महानगर के थाना मंजुला अंतर्गत काशीराम नगर में अपनी नानी के घर आई हुई थी, जहां संभल निवासी विष्णु शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस से की गई, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। महक वारसी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री महक वारसी ने कहा, मान बहुत जरूरी है, उसकी इज्जत बहुत जरूरी है, मगर इस परिवार को हम लोग तकलीफ देते हैं और इस परिवार का हम पूरे दिल तन मन धन से हम लोगों के साथ भी हैं, क्योंकि इनकी बेटी 14 दिन से गायब है और प्रशासन भी, यहाँ के नेता भी, यहाँ की सरकार इन लोगों का साथ नहीं दे रही। इस तरीके के जितने भी हादसे हैं हर शहर के अंदर होते हैं, मगर परिवार वाले चुप होकर बैठे हैं, वो लोग नहीं कहते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की नहीं होती कि वो लोग निकल जाएं। कुछ लोग दबा देते हैं, कुछ लोग धमका देते हैं, मगर इन लोगों ने बहुत अच्छा, इन्होंने किसी के धमकाने में नहीं आए, किसी के डराने में नहीं आए, और आज ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये लोग, इन लोगों की बहुत ज़्यादा हिम्मत है। डराने धमकाने की बात किस तरह से उनको डराया जा रहा है, किस तरह से धमकाया जा रहा है, कौन लोग हैं जो उनको? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है वो लोग जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिले हुए हैं, तभी वो बचा हुआ है। अगर वो एक आम आदमी होता वो तब तक इसे पुलिस उठा लेती, क्योंकि जब मालूम होता है पुलिस को कि कौन अपराधी है तो पुलिस नहीं छोड़ती है। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, प्रशासन ने अभी तक इन लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया है। 14 दिन हो गए हैं, 14 दिन में अभी तक कोई SSP नहीं आए, यहाँ के कोई नेता नहीं आए हैं, यहाँ के कोई जितने भी MLA हैं, विधायक MLA हैं और आपके MP हैं, यहाँ के कोई नहीं आए इन लोगों के पास में। आपने किस पार्टी की तरफ से समर्थन दिया? कांग्रेस पार्टी की हूँ मैं तो। कप्तान साहब इन लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया है अभी तक, और वो आते हैं सामने से निकल के चले जाते हैं। रात को भी ये लोग जो है, इनकी लाइट यहाँ पर जल रही है, इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी, जब ये लोग कचहरी में हैं तो यहाँ पे कप्तान साहब की बनती है कि यहाँ पे लाइटों का इंतजाम किया जाए, पानी वगैरह का इंतजाम किया जाए, मगर कुछ नहीं करा था। पार्टी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, पार्टी द्वारा जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर हैं, सब लोग इनके साथ में हैं, और आगे भी जो नेतागढ़ हैं वो भी आएंगे, वो भी इन लोगों के साथ में है, पूरी पार्टी इनके साथ में। इसके अलावा धरने को जीविका बचाओ आंदोलन समिति के सचिव विनोद विकल एडवोकेट ने संबोधित करते हुए कहा, अभी प्रदीप आहलूवालिया जी बोल रहे थे यहाँ पर, उन्होंने बताया है पूरा संक्षेप में कि 7 महीने से ये लड़की गायब है, बच्चा, और 14 दिन से यहाँ बैठे हैं, बल्कि परसों तो मुझे इन्होंने ये बताया कि रात में यहाँ लाइटें बंद कर देते हैं, अंधेरा खूब कर देते हैं, मजेलों का ऐसो आता है रात में, डराता है हमें, धमकाता है हमें, हमें डर के चले जाए यहाँ से, हमारा बच्चा चला गया, हम कोई खुशी से नहीं बैठे यहाँ। मैं तो प्रशंसा करता हूँ इन पत्रकारों की जो खबरें छाप रहे हैं, इनकी, इन जनसमूह की जो इनके साथ खड़ा है, इन महिलाओं की जो आज यहाँ गई हैं, यहाँ कुछ नकली संगठन तैयार हो गए नेताओं के, एक बेटी बचाओ बेटी बनाओ, बचाओ बेटी बढ़ाओ संगठन है, उसकी जो अध्यक्ष हैं वो हमारे माननीय मेयर साहब हैं, उनकी पुत्रवधु हैं, और प्रिया अग्रवाल जी, मगर उन्होंने आज तक इसकी सुध नहीं ली, वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की अध्यक्ष हैं, और यहाँ बेटी को ही दिक्कत है, कैसे बेटी बढ़ जाएगी जब बेटी का किंडप करा देगी आपकी सरकार तो, और आप सिर्फ सरकार में होने की वजह से नहीं बोल रही हो, आप भी तो महिला हो, बच्चे तो आपके भी हैं, ये समाज तो सभी का है, कहा भी बहन महक ने हमारी, ये समाज में तो तुम भी लोग आते हो, बच्चे तो सभी के हैं, जैसे इनके बच्चे हैं वैसे तुम्हारे बच्चे हैं। धरने को जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट का समर्थन लगातार जारी है। धरने के 14वें दिन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने भी अपना समर्थन दिया और अवनीश चंद्र एवं वीर सिंह उपवास पर भी बैठे। धरने को संबोधित करते हुए विभिन्न संगठनों के नेताओं ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार की 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बरामद नहीं किया जाता और अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरने में विनोद कुमार विकल एडवोकेट, प्रदीप वालिया, इस्लाम अली, रोहिताश कुमार सिंह राजपूत, बलवीर सिंह, सुरेश पाल एवं SP सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।